हमारे ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन जो है हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से बच्चों की सुपरवाइज किया है हमारे टीचर्स ने। 45 प्रोजेक्ट इसमें जो है हमने प्रेजेंट किए यहाँ पर। ये सारे एप्लीकेबल प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम अपने माशरे में अपने लोगों के सहूलत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केटेबल हैं सारे के सारे। और पार्टिसिपेशन जो है हमारी तमाम अपने बच्चों की है टोटल। अलबत्ता बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बच्चे और भी आए थे देखने के लिए, उनको भी हमने मधु किया था। NED के बच्चे या दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे वो भी आए थे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के बनाए हुए। पार्किंग सिस्टम, हमने पार्किंग सिस्टम के इशू को देखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया अपना। हमारे सिस्टम में ये है कि सबसे पहले एप्लीकेशन के थ्रू आप रजिस्टर होंगे, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट वो भी रजिस्टर होगा। और जैसे ही आप एंटर होगे तो सबसे पहले कैमरे के थ्रू OCR हमने यूज़ किया, उसके थ्रू आपका नंबर प्लेट डिटेक्ट होगा और वो बैकएंड में जाके मैच होगा। तो जैसे मैच होगा, अगर यही होगा तो आपको अलाउ होगा, हमारा बैरियर ओपन हो जाएगा, आप पार्किंग जोन में एंटर हो सकते हो और आपको स्लॉट अवेलेबल किया जाएगा। आप अपने स्लॉट पे अपने कार पार्क कर सकते हो। और जैसे ही आपकी कार जो है पार्किंग स्लॉट से हट जाएगी तो आपको नोटिफाई होगा कि मतलब आपकी कार यहाँ से हट चुकी है, ये कार आपकी है या नहीं। जैसे ही आप ओके करोगे कि मेरी कार नहीं है तो फ़ौरन से वो बैरियर पर लॉक लग जाएगा और जो कंप्लेन है वो आप रजिस्टर करवा सकते हो अपना। पर्सन के लिए एक स्टिक बनाई है, जैसे कि वो चलते हैं उन्हें दुश्वारी होती है, मुश्किलात होती है, पेश आती हैं, तो उनको स्मूथलेस तरीके से चलने के लिए हमने स्टिक बनाई है। इसमें हमने कुछ सेंसर यूज़ किए हैं जो डिटेक्ट करके बताएंगे कि उसके अंदर सामने क्या चीज़ है। अगर पानी आता है, जैसे कराची का आपको पता है, तो पानी आएगा तो पानी का बताएगा, कोई खड्डा आ जाता है या कहीं सीढ़ियाँ आ जाती हैं या उतर रही हैं, वो सब इसके बारे में आपको बताएगा कि भाई सामने ये चीज़ है, और उसको उर्दू ज़बान में बताएगा ताकि उसको समझने में आसानी हो। और इसके अलावा जो अगर वो कहीं घूम जाता है या उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि बंदा कहाँ है, नहीं मिल रहा, तो वो उसकी लाइव लोकेशन उसी टाइम ट्रेस करके उसको ढूंढ सकते हैं। डेफ पर्सन के लिए हमने ये चैटिंग ऐप बनाई है जिसमें हमारे पास ASL कीबोर्ड मौजूद है। ASL कीबोर्ड में हमने हर अल्फ़ाबेट में जो है डेफ पर्सन के साइन बिल्ट इन कर दिए हैं, जिसमें कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स भी है लाइक थैंक यू, यस, नो, मोर। अगर यूज़र डायरेक्टली सेंड करना चाह रहा है तो वहीं से डायरेक्टली थैंक यू के साइन सेंड कर सकता है। अगर किसी यूज़र को ये ऐप एप्लीकेशन जो है यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास हेल्प सेक्शन भी है जिसमें हमने हर चीज़ डिफाइन की हुई है। बाय द वे उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। फाइनली प्रोजेक्ट बनाया है वो स्मार्ट सिक्योर होम। स्मार्ट से मुराद ऑटोमेशन, यानी विद इन की क्लिक आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योर इस तरह है कि हमने इसमें मशीन लर्निंग के थ्रू फेस रिकग्निशन रखी है, यानी आपके चेहरे को देखकर अगर वो घर का बंदा है, घर का फर्द है, तो उसी के लिए दरवाज़ा खुलेगा ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। अगर वो अनऑथराइज पर्सन है तो उसकी पिक्चर क्लिक करे आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आएगी कि ये बंदा है जो आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अलार्म भी बजेगा जो आपको घर के मौजूद अफराद को बताएगा कि कोई बाहर मौजूद है जो आपके घर में दाखिल होना चाहता है। अगर वो शख्स खिड़की से या किसी और तरीके से घर में दाखिल होता है तो हमने मोशन सेंसर यूज़ किया है जो मोशन सेंसर आपको अलर्ट कर देगा, अलार्म बजाएगा और आपको बताएगा कि कोई आ रहा है आपके घर में। इसके अलावा हमने इसमें लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन रखा है। यूज़र कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी बैठ कर क्लिक के ज़रिए अपने घर की लाइट को ऑन और ऑफ कर सकता है, देख सकता है। इसके साथ साथ हमने फायर सेंसर यूज़ किया है। हमें पता है कि आजकल गैस लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग ज़्यादातर सिलेंडर यूज़ करते हैं। अब सिलेंडर में सबसे ज़्यादा खतरा यही होता है कि आग लग जाए या उसकी जो हीट है वो ज़्यादा हो गई, तो खदशा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता और आप जाकर अगर आप स्टव वगैरह ऑन करें तो आग लग सकती है। तो ये फायर सेंसर आपको उसी वक्त अलर्ट करेगा, जैसे ही हीट बढ़ेगी वो आपको अलार्म जनरेट कर देगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आपको बताएगा कि हीट का लेवल बढ़ चुका है, तो आप उसी वक्त एक्शन ले सकते हैं।